खुश हूँ कि अभी पीवीआर पर ये रिलीज़ हो रही है कागज़ी कश्ती. ये बहुत ही वेल मेड डॉक्यूमेंट्री है. इट्स अबाउट जगजीत सिंह हु हैज़ एन अमेजिंग लाइफ. इट्स अ वेरी इंटीमेट पोर्ट्रेट. ब्रह्मानंद ने जो काम किया है बहुत ही अच्छा किया है. एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि इसको एक थिएट्रिकल भी मिल रहा है. डॉक्यूमेंट्री तो जगजीत सिंह जी पर है, तो उनकी जो लाइफ स्टोरी है, जो प्रोसेस था, कैसे उन्होंने तरक्की ली, उनकी क्रिएटिविटी कहाँ से, इंस्पिरेशन कहाँ से आया उनको, तो सिर्फ एक गाने के ऊपर नहीं है, उनकी पूरी करियर के ऊपर, उनकी जर्नी के ऊपर है. मुझे सबसे इफेक्ट तब लगा था जब उनकी वाइफ बात करती हैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे के बारे में, क्योंकि शी लॉस्ट बोथ. वो बहुत इफेक्टिव था. आई मीन आई फेल्ट रियली आई वाज क्राइंग व्हेन आई सॉ दैट. नहीं, मैंने कोई हेल्प नहीं ली उनकी. मैंने बस प्रेजेंट की है फिल्म, प्लेटफॉर्म पर डाली है, OTT प्लेटफॉर्म पर डाली है. सारा एफर्ट ब्रह्मानंद का है जो बनाई है फिल्म. ब्रह्मानंद आई मीन सब उनका ही काम है. मैंने प्रेजेंट की है फिल्म, मेरा प्रोडक्शन नहीं है. डॉक्यूमेंट्री है जो बहुत कम बनती हैं आई सपोज, या फिर उन्हें ज़्यादा शोकेस नहीं किया जाता है. तो एज अ प्रेजेंटर है, यहाँ पे मैं प्रेजेंटर हूँ. मैं भी चाहता हूँ कि ऐसी फिल्मों को मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले, इसीलिए मैंने इसको OTT प्लेटफॉर्म पर डाला और अभी इसको थिएट्रिकल मिल रही है. फिल्म मेकर्स लाइक ब्रह्मानंद कैन डू विद सच प्लेटफॉर्म्स एंड सपोर्ट, ताकि ऐसी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, एक्सपेरिमेंट्स ऐसे फिल्म मेकर्स करते जाएं, उनको मौका मिलते जाए. आई मीन ये ज़रूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री हो, वैरायटी की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि हर एक इंसान को, हर एक कलाकार को मौका मिले, उनको अपना एक्सप्रेशन देने का एक मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले, वो ज़रूरी है. हमारी इंडस्ट्री में अक्सर क्या हो जाता है कि एक ही फॉर्मूला पर जो काम होते जाता है, तो वो वहाँ पे फिर क्रिएटिविटी भी लिमिट हो जाती है. तो ये ट्रू है, फॉर क्रिएटिविटी टू थ्राइव, फॉर ओरिजिनलिटी टू थ्राइव, यू हैव टू एंगेज अ लॉट मोर पीपल, यू नो, एंड ओनली देन कैन एन इंडस्ट्री रियली ग्रो एंड रिप्रेजेंट अ कल्चर.